तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर यहां पर आ गई, आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है तो रेवाड़ी से बड़ी खबर, बेसहारा पशुओं का आतंक बढ़ गया है। सीसीटीवी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर एक सांड ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देख के अंदाज लगा सकते हैं, जहां पर एक सांड बार बार बुजुर्ग पर हमला कर रहा है। घटना में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऐसे में बेसहारा जो पशु है वो लगातार कॉलोनियों में घूमते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ चुकी है, जहां पर बेसहारा पशुओं का आतंक फरता जा रहा है। बुजुर्ग पर सांड ने हमला किया है, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। सांड ने टक्कर मारते हुए बुजुर्ग को घसीटा भी है। तो आपको बता दें कि शिव कॉलोनी में बुजुर्ग पर यह हमला किया गया है। रोजाना लगातार इसी तरीके की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है। तो बेसहारा पशुओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। बेसहारा पशु आए दिन इसी तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं, जहां पर किसी भी शख्स पर यह हमला कर देते हैं। गंभीर रूप से बुजुर्ग को इस सांड ने जख्मी कर दिया है। तो आपको बता दें, रेवाड़ी से ये बड़ी जानकारी है, शिव कॉलोनी में बुजुर्ग पर हमला किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बुजुर्ग के हाथ में डंडा है और डंडे से उन्होंने रोकने का प्रयास भी किया है, लेकिन उसके बावजूद सांड लगातार हमला करता रहा है और घसीटता हुआ उनको आगे तक ले गया है। मौजूदा लोगों ने फिलहाल उनको बचा लिया है, लेकिन गंभीर चोटें बुजुर्ग को आई हैं। वैसे में प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्रवाई खासी देखने को नहीं मिलती। देखिए दूसरी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर आ गई, जहां पर तीन सांड लड़ रहे हैं। एकदम से सांड आते हैं और महिला गंभीर रूप से चोटिल हो गई थी। इसमें तीन सांड इस तरीके से लड़ रहे हैं, ऐसे में अगर कोई भी शख्स इनकी चपेट में आ जाता है तो गंभीर रूप से जख्मी हो जाएगा। तो आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर रोजाना सामने आ रही है, इसी तरीके की खौफनाक तस्वीरें। रेवाड़ी से ही तस्वीर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। तीन सांड लड़ते हुए एकदम से आते हैं और टक्कर मार देते हैं। समय रहते गेट बंद कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर चोट लगी है। तो आपको बता रहे हैं, इसी तरीके का जो आतंक है आवारा पशुओं का वो लगातार जारी है। देखिए दो तस्वीर आपके सामने हैं, इन दो तस्वीरों को देख के आप पूरा मंजर समझ सकते हैं आवारा पशुओं का आतंक। पहली तस्वीर में सभी लोग एकत्रित होकर खड़े हुए थे, एकदम से सांड लड़ते हुए आते हैं, सांड गेट में टक्कर मारते हैं, महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं बुजुर्ग को सांड ने घसीटा है और जख्मी गंभीर रूप से कर दिया है। संज्ञान में है और इस पर हम योजना बना रहे हैं, बड़ी जल्दी योजना बना के आवारा पशुओं पे काबू पाया जाए। तो फिलहाल देखिए, जिस तरीके से अधिकारियों की तरफ से भी कार्रवाई का आश्वासन तो दिया ही जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें हर रोज सामने आ रही है, अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि आवारा पशु इसी तरीके से आए दिन हमले कर रहे हैं और लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जहां पर सभी लोग मौजूद थे, ऐसे में एकदम से तीन सांड लड़ते हुए आते हैं और गेट में टक्कर मारते हैं। गनीमत यह रही कि महिला तुरंत गेट के अंदर हो गई थी, लेकिन उसको फिर भी सिर में गंभीर चोटें आई हैं। और ऐसे में जिस तरीके से ये तीन सांड लड़ रहे थे, अगर इनकी कोई चपेट में आ जाता तो गंभीर रूप से जख्मी हो सकता था।